दोस्तों नमस्कार मैं आशीष मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंस ज्ञान गुरु में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों मैं अपने पिछले वीडियोज़ की तरह इस बार भी आपको कुछ अच्छे निवेश के बारे में बताने वाला हूं इस निवेश का नाम है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान दोस्तों आपने पहले भी इसके बारे में सुना होगा आपके दिमाग में भी ये बात गूंज रही होगी कि आखिरकार यह सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है यह कब और कैसे किया जाता है इसको हम कैसे कर सकते हैं कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कहाँ हम अपना खाता ओपन कर कर सकते हैं और हम कितनी राशि निवेश कर सकते हैं कितने समय के लिए निवेश कर सकते हैं कब हम इसको विड्रॉल कर सकते हैं देर आर सो मैनी क्वेश्चन यू हैव इन योर माइंड सो प्लीज लिसन माई वीडियो एंड वॉचिंग केयरफुली तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसा प्लान है जिसमें सौ रुपये या उसके गुड़क के आधार पे पाँच सौ रुपये एक हज़ार रुपये एक लाख रुपये जो भी आप मिनिमम अमाउंट एक सप्ताह में मंथली ईयरली क्वार्टरली जैसा भी आप चाहें एक प्लान के आधार पे आप व्यवस्थित इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यह सिस्टमेटिक इन्वेस्ट प्लान म्यूचुअल फंड के माध्यम से किया जाता है म्यूचुअल फंड आप कहीं भी किसी भी आप एस बी आई बैंक है एच डी एफ सी बैंक है ग्रो ऐप्स है इकोनॉमिक्स टाइम्स का ऐप है और इस तरह के बहुत सारे ऐप आप आपको आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराते हैं जहां पर आप एस आई पी म्यूचुअल फंड में एस आई पी डायरेक्ट ऑनलाइन के माध्यम से या फिर आप बैंक में जाकर वहाँ पे जा के इसका एक खाता खुलवा सकते हैं जैसा चाहें आप कर सकते हैं यह है एक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है अगर म्यूचुअल फंड को लॉन्ग टर्म के लिए किया जाए तो यह एक अच्छा फंड मैनेजर साबित होगा और इसमें अच्छा फंड मिलने की संभावनाएं है होती हैं म्यूचुअल फंड में ऐसा माना जाता है कि यह है 12 परसेंट या उससे अधिक का रिटर्न देने में सक्षम होता है इसीलिए लोग एस की तरफ ज़्यादा भागते हैं लोगों का ध्यान एस की तरफ ज़्यादा होता है लोगों की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं जिसके लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता होती है जैसे कि शिक्षा के लिए मकान के लिए व्यापार के लिए अगर आपके पास उतना धन अवेलेबल नहीं है तो दोस्तों आपने सुना होगा कि बूंद बूंद से सागर भरता है इसी तरह बूंद बूंद से घड़ा भी भरता है उसी प्रकार एक छोटी सी एस आपके सपनों को पूरा करने में सक्षम होती है दोस्तों एस कैसे शुरू की जाए इसके बारे में मैंने आपको बताया लेकिन इसके लिए एक सिस्टमेटिक प्लान का होना आपके पास बहुत ही जरूरी है जिसके लिए नंबर एक पहले सबसे पहले आपको अपने उद्देश्यों का निर्धारण करना पड़ेगा कि आप किस उद्देश्य से किस काम के लिए कितने पैसे तक का निवेश करना चाहते हैं और भविष्य में आपको कितना पैसा चाहिए कितने दिनों के लिए निवेश करना चाहते हैं इन सब उद्देश्यों को निर्धारित करने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करें ताकि आप मिनिमम अमाउंट हंड्रेड रुपीज इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर वन थाउजेंड फाइव थाउजेंड या और भी अधिक धन आप निवेश करना चाहते हैं यह आपके उद्देश्यों पर ही निर्भर करता है निवेश का कार्यकाल निर्धारण दूसरा अगर आप छोटी अवधि के लिए करेंट करना चाहते हैं तो आपको अधिक मात्रा में पैसा डालना पड़ेगा लेकिन अगर आपका कार्यकाल लंबा है तो आप थोड़ा कम राशि का निवेश कर सकते हैं तीसरा के वाई सी कम्प्लीट होना दोस्तों सबसे पहली जो आज की बात है आप ई e के के माध्यम से या फिर डायरेक्ट बैंक में जा कर के आप अपनी सबसे पहले के पूरी करेंगे उसके बाद ही आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ले सकते हैं किसी भी किसी भी म्यूचुअल फंड में चौथा आप निवेश करने की योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ योजना का निर्धारण करें इसके लिए आपको किस कार्य के लिए आपको फंड चाहिए और इन सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए यह एस निवेश की प्रक्रिया का अगला चरण है इस चरण में आपको उन योजनाओं को चुनना होगा जिसके बारे में आप निवेश की योजना बना रहे हैं ज़्यादातर स्थितियों में एस के संदर्भ में संदर्भित किया जाता है इक्विटी फंड इसलिए किसी भी फंड में निवेश के पहले लोगों को योजना के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को समझने की ज़रूरत होती है चाहे वह योजना आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो चाहे जोखिम हो उसमें आपकी योजना की आवश्यकताओं में मेल खाती हो या नहीं इसके अलावा लोगों को म्यूचुअल फंड कंपनी की प्रतिष्ठा के साथ साथ स्कीम का प्रबंधन करने वाले फंड मैनेजर के साख के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए फंड मैनेजर की साख की जांच आपको कर लेनी चाहिए कि उसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है और वह किस प्रकार से अपना रिटर्न देता रहा है निवेश राशि और दिनांक तय करना पाँचवा तो इसके लिए दोस्तों आपको निवेश की राशि आपको पहले से तय करना चाहिए कि आप एक हज़ार दो हज़ार पाँच हज़ार कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और किस डेट में करना चाहते हैं ये निहायत ही ज़रूरी है और इसको बहुत ही उससे लागू करना है इसके बाद आपको अपना निवेश जहां भी करते हैं उसमें संतुलन कर बना करके रखना है अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अच्छा फंड ग्रो करने में सक्षम रहेंगे तो दोस्तों नमस्कार